हेलो फ्रेंड, आप लोगों को कुमारी दीमा की रसोई में स्वागत है। आज मैं लौकी का पकौड़ी वाली सब्जी बनाने जा रही हूँ, जिसमें लगने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं एक लौकी, इतनी बड़ी सी लौकी लेंगे, टमाटर एक, दो प्याज, लहसुन, अदरक, तेजपत्ता, मिर्ची, काली मिर्च, जीरा 1 से 1.5 स्पून के लगभग, बेसन। अब मैं लौकी को छीलूँगी, छील करके इसका छिलका हटाऊंगी, अच्छे से धुल करके मैं इसे कद्दूकस करूंगी, जो आप देख सकते हैं मैंने इसे कद्दूकस कर लिया है। और इसको मैं इसमें हल्का सा नमक डालूंगी, आधी चम्मच के लगभग मैं नमक डाल करके, और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी, जो आप देख सकते हैं। इधर मैं इसको मिक्स करके 2 मिनट के लिए मैं रख दूँगी, इसे अच्छे से मिक्स करके इसको रेस्ट के लिए 2 मिनट के लिए रखूँगी, जिसका थोड़ा इसका पानी हल्का सा निकल जाए। तब तक मैं प्याज को और कट करके सारा मसाला मिला करके इसको ग्राइंड कर लूँगी, प्याज को, लहसुन अदरक को और टमाटर को भी कट करके इसको ग्राइंड करूँगी। आप देख सकते हैं मैंने टमाटर को प्यूरे बना लिया है और मैंने ओनियन को भी ग्राइंड कर लिया है अच्छे से। अब इधर मैं इसको कद्दूकस कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। मैं इसका पानी निकाल करके और मैं बेसन मिलाऊंगी और कुछ सूखे मसाले मिलाऊंगी। आप देख सकते हैं मैंने इसमें कद्दूकस किए हुए कद्दू को मैं निकाल रही हूँ, देखिए इसमें कितने पानी निकलते हैं। ऐसे करके आप भी इसकी पानी निकाल लें और प्लेट या बाउल में डाल लें, और इसमें बेसन में डाल करके इसके पानी को मैं फेंकूंगी नहीं, और इस पानी को मैं ग्रेवी बनाने में यूज करूंगी, जो आप देख सकते हैं। मैं इसको अभी छान लूंगी छन्नी से और मैं इसको यूज करूंगी। इसमें 1 बाउल के लगभग मैं बेसन डालूंगी और इसे अच्छे से मैं मिक्स करूंगी। इसमें मसाले भी डाल दूँगी, सब्जी मसाले में डालूँगी, आधी चम्मच के लगभग मैं सब्जी में मसाले डालूंगी, देखिए लगभग आधी से 1 चम्मच के लगभग है ये मसाले, इतने लौकी के लिए इतने पर्याप्त है। मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालूंगी, आधी चम्मच के लगभग मैं हल्दी पाउडर डालूंगी, और इन सब इंग्रेडिएंट्स को मैं मिक्स कर लूंगी। इसमें मैं नमक भी डालूंगी, क्योंकि थोड़ा सा नमक मैंने पहले डाला है, इसलिए मैं 1 स्पून छोटी वाली स्पून से 1 स्पून के लगभग मैं नमक डालूँगी, जो आप देख सकते हैं। अब सबको मैं मिक्स करके इसको मैं तलूंगी। अब आप देख सकते हैं कि तेल मैंने गरम कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़े करके इसको मैं डालूंगी, कद्दू का बाउल डालूंगी, इसमें धीमी एंड लो फ्लेम पे आप भी इसी तरह डालें और इसे पिंक होने तक अच्छे से दोनों तरफ से सेक लें। धीमी ही फ्लेम रखें, अधिक तेज फ्लेम ना रखें, नहीं तो ये अंदर से पकेंगे नहीं और ऊपर से रेड हो जाएंगे, जो देखने में अच्छे नहीं लगेंगे। और मैं पलट करके इसको दिखाऊंगी आप लोग को कि कितने अच्छे और सुंदर दिखने में लगते हैं, जो आप लोग देख सकते हैं इसे। हेलो भगवान, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ये कद्दू के पकौड़े निकाल चुकी हूँ, खाना मैंने निकाल चुके हैं, जो आपको मिलते हुए मैंने दिखाया था, कोई सी कलर का होने तक आप लोग भी दिखा ले। दूसरा मैं इसमें डाल चुकी हूँ, इसको मैं तरह धीरे धीरे एक एक करके पलटूँगी, फिर इसको मैं इसे करूँगी। तब तक मैं दूसरी तरफ पैन गरम कर लूँगी, दूसरे पैन में मैं गरम तेल डालूँगी और उसमें जो ये मसाले हैं सूखे, इसको मैं उसमें तड़का लगाऊँगी। आप देख सकते हैं तेल गरम हो चुका है, मैंने
वन से डेढ़ स्पून के लगभग ये तेल लिए हैं। अब मैं इसमें तेज़पत्ता, जीरा मिर्च, लाल मिर्च सबको डालूँगी, ये हल्का सा तड़क जाएंगे। और मैं इनमें प्याज के जो मैंने मसाले पीसे हैं वो मैं इसमें डालूँगी, जो आप देख सकते हैं हल्का सा ये अब तड़क चुके हैं। अब मैं इसमें इसको डालूँगी, देख सकते हैं हल्का सा पीस होना लगेगा। तब मैं इसमें सब्जी मसाला, मिर्च, हल्दी पाउडर डालकर मिक्स करूँगी। जब पकने लगेंगे तब मैं इसमें डालूँगी टमाटर के प्यूरे। अब आप देख सकते हैं ये तेरी कुछ फूटने लगेंगे, इसका मतलब है कि प्याज कलर में भी बदल है, कलर भी इसका थोड़ा चेंज हो गया है। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। सबसे पहले मैंने सब्जी मसाले आधे चम्मच के लगभग मैं डालूँगी इसमें, उसके बाद मैं हल्दी पाउडर डालूँगी आधे स्पून के लगभग, हल्दी पाउडर डालूँगी और सबको ऐड करूँगी अच्छे से, इसको मिक्स करूँगी। अब मैं इसमें टमाटर का प्यूरे डाल करके, मिर्चा भी थोड़ी देर में इसे टमाटर का प्यूरे अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तब मैं इसमें मिर्ची ऐड करूँगी, धीमी एंड लो फ्लेम पे ही प्रोसेस साफ करें, बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट सब्जी बनेगी तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे लगेंगे। ऐसे कितने प्यारे इसके कलर आ रहे हैं, इतनी अच्छी इसकी खुशबू आती है और सब्जी में मेन मसाला ही होता है। मसाला को थोड़ा दो मिनट टाइम अधिक लगे लेकिन अच्छे से इसको भूने, देख सकते हैं मसाले अच्छे से भून चुके हैं। मैंने आधे चम्मच से कम लाल मिर्च लिया है, इसको मैंने मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें पानी डालूँगी, जो कद्दू का जो मैंने पानी बचाया था वो मैं इसमें डालूँगी। तो मिक्स करूँगी इसको अच्छे से, अगर ग्रेवी आपको कम लगे थोड़ा सा और इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। मैं आधे गिलास के लगभग, आधे गिलास से कम, देखिए मैं कटोरी भर पानी मैं इसमें डाल रही हूँ। चावल पराठे पूड़ियों के साथ ये बहुत ही अच्छी लगती है ये सब्ज़ी। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करके इसको थोड़ा सा एक बाउल आने तक इसको अच्छे से टपकाऊँगा। उसके बाद मैं इसमें आधे चम्मच के लगभग मैंने नमक लिए, क्योंकि उसमें पहले मैंने थोड़े से नमक ले करके कद्दूकस किए हुए में डाला हुआ था, जिस पानी में भी नमक है इसलिए अधिक हो जाए, इसलिए मैंने थोड़ा ही नमक इसमें ऐड किया है। इसे पूरे परफेक्ट स्वाद के बन जाएंगे। मैं इसे ढक रही हूँ, देखिए हल्के हल्के से ये होने लगे हैं। अब मैं इसमें पकौड़े डालूँगी, पकौड़े डाल करके दो मिनट के लिए लग, क्योंकि पकौड़े तो पहले से तले हुए हैं इसलिए ये पके हुए हैं ही, इसलिए मुझे अब अधिक टाइम नहीं लगेगा इसे बनाने में। मैं आप लोग को परोस करके इसे दिखाती हूँ कैसे बने हैं। आप देख सकते हैं एक मिनट के लगभग हो गए हैं। मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर लूँगी, आधे स्पून के लगभग गरम मसाला ऐड करके बस एक मिनट के लिए और मैं इसे पकाऊंगी। अच्छे से इसको मिक्स कर लें, एक मिनट के लिए मैं पका करके बाद में सर्व करूंगी। आप इसे पूरी पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं, चावल के साथ भी ये बहुत अच्छी लगती है। प्लीज़ आप लोग वेजिटेबल बनाएं और मेरे साथ शेयर करें कैसा बना है। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।